पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है अपनी मेहनत से और आगे एक अच्छी सोच के साथ आगे चलना चाहता है। भरतपुर का रुख करेंगे। अब भरतपुर के मेडिकल कॉलेज जो होगा श्री जगन्नाथ पहाड़िया मेडिकल कॉलेज होगा। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिए। एक बार फिर से बता दें कि राज्य सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं। राज्य सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला ले लिया गया है। भरतपुर मेडिकल कॉलेज अब श्री जगन्नाथ पहाड़िया मेडिकल कॉलेज होगा और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल रहे दिवंगत नेता जगन्नाथ पहाड़िया के नाम पर मंत्रिमंडल समिति ने सिफारिश की थी कि इस कॉलेज का नाम रखा जाए। हालांकि भरतपुर रियासत के संस्थापक महाराजा सूरजमल के नाम पर मेडिकल कॉलेज के नाम करने की जो मांग हो रही थी तो कुछ लोग दिवंगत बीजेपी के नेता डॉक्टर दिगंबर सिंह के नाम पर नामकरण करने की मांग कर रहे थे। तो दिगंबर सिंह की कॉलेज की स्थापना खास भूमिका रही है। देवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, राज्य सरकार का एक बड़ा फैसला और आदेश भी जारी हो चुके हैं, श्री जगन्नाथ पहाड़िया मेडिकल कॉलेज कहलाएगा अब भरतपुर मेडिकल कॉलेज। जी आप सही कह रही हैं गगन, अब भरतपुर का जो मेडिकल कॉलेज है वो श्री जगन्नाथ पहाड़िया मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाएगा। जगन्नाथ पहाड़िया कांग्रेस के बड़े नेता रहे, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, हरियाणा में राज्यपाल रहे, केंद्र में मंत्री रहे, इंदिरा गांधी सरकार में भी वो मंत्री थे, कई पदों पर रहे, लगातार कांग्रेस से जुड़े रहे, उनकी पत्नी सांसद रही, उनके बेटे विधायक रहे, तमाम पूरा परिवार बैर से आता है जहाँ से इस पूरे मसले को लेकर लगातार इलाके में मांग हो रही थी कि जो भरतपुर का मेडिकल कॉलेज है उसका नाम महाराजा सूरजमल के नाम पे किया जाए। कुछ लोग जो दिवंगत नेता है बीजेपी के डॉक्टर दिगंबर सिंह, क्योंकि दिगंबर सिंह की महती भूमिका इस कॉलेज की स्थापना में रही, उनके नाम पे करने की कर रहे थे, लेकिन मंत्रिमंडलीय समिति ने इस पूरे मामले में जगन्नाथ पहाड़िया के नाम की सिफारिश की और इसके बाद राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि भरतपुर का मेडिकल कॉलेज महाराजा सूरजमल के नाम पे नहीं, न दिगंबर सिंह के नाम पे, बल्कि जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे जगन्नाथ पहाड़िया उनके नाम से जाना जाएगा, श्री जगन्नाथ पहाड़िया मेडिकल कॉलेज के नाम से अब इस कॉलेज को जाना जाएगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया। जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फिलहाल तक की जानकारी के लिए। तो मंत्रिमंडल समिति ने सिफारिश की थी, तो कई नाम थे जिन पर इस कॉलेज का नामकरण किए जाने की सिफारिश की जा रही थी, मांग की जा रही थी, लेकिन राज्य सरकार ने जो आदेश जारी किए हैं उसके बाद श्री जगन्नाथ कॉलेज के नाम से इस मेडिकल कॉलेज को अब जाना जाएगा। अब बात करेंगे, डीएनए ने दिलाया